झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा जल्द ही होने वाली है। हालांकि इस बार का पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं होने वाले हैं। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा ने ताकत झोंक दी है। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने बुधवार को पलामू के शिवाजी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी विधायक दल के नेता और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, सांसद विष्णु दयाल राम, सुनील सिंह, विधायक आलोक चौरसिया, डॉक्टर शशि भूषण मेहता समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में ताकत लगा दें। राज्य की सरकार भय के कारण दलगत चुनाव नहीं करवा रही है। भाजपा कार्यकर्ता अधिक से अधिक सीट पर चुनाव जीते। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता केंद्र सरकार की उपलब्धियों और राज्य सरकार की खामियों को लेकर आम जनता के बीच जाए। पंचायत चुनाव कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार राज्य को लूट रही है। उन्होंने बोल की हेमंत राज में शासन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जेल में अपराधी रंगदारी मांग रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा है कि बालू की लूट मची है। खनिज संपदा को बाहर के राज्यों में भेजा जा रहा है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।